नमस्कार, ग्लिप्स डॉट इन में आपका स्वागत है और मैं हूं आरपी सिंह। बिजनेस अपडेट देखते हैं। मंगलवार को शेयर बाजार में पूरे दिन अमंगल की छाया देखने को मिली। 42 अंकों की गिरावट के साथ खुला सेंसेक्स 109 अंकों की गिरावट के साथ 34,903 पर बंद हुआ, तो वहीं 18 अंकों की गिरावट के साथ खुली निफ्टी 35 अंकों की गिरावट के साथ 10,593 पर बंद हुई। सीएनएक्स 565 अंक गिरकर 9,111 पर बंद हुआ। शेयर बाजार में गिरावट का प्रमुख कारण बैंकों के शेयरों का कमजोर परफॉर्मेंस बताया जा रहा है। जिन कंपनियों के शेयर उछले उनमें लाख, बिलासा बैंक, संकरा बिल्डर्स, सिप्ला, इंटेलेक्ट डिज़ाइन, बलरामपुर चीनी मिल, टाटा ग्लोबल और पीवीआर बताए जा रहे हैं। देसी वाहन उद्योग बाजार में 19% की बढ़ोतरी दर्ज की गई है, जिनमें सुजुकी, मारुति, टाटा मोटर्स, होंडा के मजबूत प्रदर्शन का योगदान रहा। नए वाहन उतारे जाने से बिक्री में इजाफे में मदद मिली, तो वहीं एजेंसियों ने अपने वाहनों की संख्या बढ़ाकर स्टॉक कर लिया है। उनको उम्मीद है कि अगले महीने में इनकी कीमत बढ़ सकती है। भारत की सेवा प्रदाता कंपनी क्षेत्र की गतिविधियों में 3 महीने में पहली बार गिरावट दर्ज की गई है। सेवा प्रक्षेत्र की गतिविधियों में मानसिक सर्वे के हिसाब से निकेई इंडिया सर्विसेज बिजनेस एक्टिविटी इंडेक्स मार्च माह में गिरकर 49.6 पर रहा, जो कि पहले अप्रैल माह में 51.4 पर था। इसमें कहा गया कि नए कारोबारी ऑर्डरों के न मिलने और तेल की बढ़ती हुई कीमतों का इस पर प्रभाव पड़ा है। झींगे के निर्यात से सामान्य आमदनी हो रही है, जिससे $5 अरब के भारतीय समुद्री खाद्य निर्यात बाजार से जुड़ी आपूर्ति श्रृंखला के भागीदारों का शुद्ध मुनाफा कम हो रहा है। इससे झींगे का निर्यात प्रभावित हो रहा है और इस पर 20% की कमी आ रही है। ताज़ा अपडेट्स के लिए बने रहें glips.in के साथ। For more information, log on to www.glips.in.